गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बस्टी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछी गई है वो है मास बजट। तो आज हम बनाएंगे मास बजट। मास बजट में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है सेल्स, और नीचे दे रखे है एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट मेटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और इनडायरेक्ट लेबर के यहाँ खर्चे दे रखे हैं स्टोर्स, डेप्रिसिएशन, लाइट एंड पावर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एडमिशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड आदि, ये सारे सारे इसके जो खर्चे हैं। तो हम अब इनको सभी को एडजस्टमेंट करते हुए एक मास बजट है जो बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रारूप बना लेते हैं, जिसमें हेडिंग मास बजट का डाल देते हैं और पर्टिकुलर, और यहां डालेंगे अमाउंट, तो इस तरीके से इसका जो प्रारूप है सबसे पहले में यही बनाना है। अब इसमें सबसे पहले हम जो चीज लिखने वाले हैं वो है सेल्स। तो सेल्स हम देख रहे हैं कि सेल्स हमारी है जो 10 लाख है, और 10 लाख सेल्स सबसे पहले ऊपर इसी को लिखेंगे, यहां लिखेंगे 10 लाख, और इसको इस तरीके से एक लाइन में अलग ही पैक कर देते हैं इधर। अब हमें जो चीज यहां से लेनी है, सबसे पहले हम इसकी प्राइम कॉस्ट वाले जो चीजें वो ले लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये है 50% ऑफ सेल्स। तो 50% इसका सेल का है, 10 लाख का वो होता है 5 लाख। उसके बाद में दूसरा है डायरेक्ट का है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है 25 वर्कर है और 120 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं इनको, और वो भी 12 महीने के लिए। तो इस तरीके से ये एक महीने का है, तो इस तरीके से इसको आपस में गुणा करके देखते हैं, 25 को 120 इंटू 12, तो देखते हैं कि कितना आता है। तो इसका कैलकुलेशन है जो 36,000 है। तो इस तरीके से यहां लिखेंगे 5,36,000, ये 5,36 हम यहां भी लिख देते हैं, ये प्राइम कॉस्ट होती है। पांच छत्तीस, 10 लाख में से 5,36 जाएंगे तो बचेंगे यहां 4 लाख और 64,000। तो ये है जो शेष राशि है। अब जो अन्य खर्चे हैं उनको और यहां लिखते हैं। अन्य खर्चों में जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री के, तो फैक्ट्री के इसमें कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल खर्चे हैं, उन सभी को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो मैं यहां सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिक्स को अलग कर लेते हैं और वेरिएबल को अलग कर लेंगे। फिक्स में हम देख रहे हैं सबसे पहले यहां वर्क मैनेजर है, ये 500 रुपए पर मंथ है, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक महीने का है, 12 महीने के 6,000 हो जाएंगे। मैं यहीं इसको लिखता हूं, ये हो जाएगा
वर्क मैनेजर 6,000, यहां लिख सकते हैं 12 × 500। और उसके बाद में है फोरमैन, फोरमैन है 300 रुपये पर मंथ है, तो 300 × ये 12 महीने का लेना है, ये आ जाएगा 3600। और उसके बाद में ये वेरिएबल है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये फिक्स हो गया है, इसको लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये है 15,000। और लाइट एंड पावर है, ये भी फिक्स की तरह ही, सॉरी ये वेरिएबल होता है, तो इसमें हम लिख देते हैं ये वेरिएबल हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी वेरिएबल है। सन्ड्री एक्सपेंस है 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, ये फिक्स ही की तरह है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये 10% ऑफ वेजेस का 10% है, तो ये 36,000 थी हमारी वेजेस, तो इसका 10% 3600 हो जाएगा। और ये हो गया। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे लास्ट में लेंगे, इन तीनों को नहीं लेना है अभी हमें, तो इनका सबका टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस है जो यहाँ है स्टोर एंड स्पेयर, स्टोर एंड स्पेयर्स में 3% ऑन सेल है, तो सेल हमारी थी जो 10 लाख थी, इसका 3% है जो होता है 30,000। और लाइट एंड पावर है जो 6,000 है, तो ये 6,000 आ गया। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000, ये है 10,000। तो इस तरीके से ये मुख्य मुख्य ये आ जाते हैं, इनका टोटल करके यहां लिखता हूं मैं, इन दोनों का टोटल करके या अलग अलग टोटल करके यहां लिख सकते हैं इनको, इनके अलग अलग टोटल को हम यहां लिख देंगे, फिर इसमें से जो घटा देंगे, इसमें से इन दोनों का टोटल है जो यहां करके और घटा देंगे। तो यदि अलग अलग करना चाहे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे फिक्स और वेरिएबल है, अलग अलग करना चाहे अलग कर सकते हैं, बाकी यहाँ दोनों का टोटल यहाँ लिख देंगे, इन तीनों का, इनका टोटल यहाँ, इनका टोटल यहाँ, और इसमें से दोनों का टोटल है जो घटाते हुए लिख सकते हैं, या इनका टोटल यही करते हुए दोनों का एक साथ यहाँ लिख सकते हैं और बाद में घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ इनका टोटल यहाँ लिखूंगा और उसके बाद में घटाते हुए जो आगे चलूंगा, तो मैं ये टोटल करके यहाँ लिखता हूँ। तो मैंने इनका जो टोटल यहाँ लिख दिया है, इसके अलावा हम सभी जैसे लागत है इनको एक साथ लिख करके टोटल सेल में से घटाते हुए प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो दूसरा है जो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इसको सीधे डायरेक्ट घटा करके न कर घटा करके नहीं, बल्कि इसको यहाँ हम सभी कोस्टों को जोड़ दे देते हैं, ठीक है, तो सभी का टोटल कर देते हैं हम एक बार यहाँ, तो ये इनका सबका टोटल यहाँ आ जाएगा। और इनमें एक चीज और बची हमारी, वो है एडीएम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये है 20,000। तो हम इनका टोटल है पहले घटाया हुआ था, उसमें से भी इनको घटा के लिख सकते हैं, या इन सभी का तीनों जैसे ये लागते हैं, जैसे प्राइम कोस है, इनका इनका सबका टोटल करके और यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को
ऊपर वाली जो फैक्ट्री कॉस्ट को यहाँ लिख देते हैं, तो इस तरीके से टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद में ये एडिशनल जो खर्चे ये जोड़ते हुए हम क्या है जो प्रॉफिट निकाल देंगे इसमें सेल में से घटा करके। तो मैं इनका टोटल यहाँ करके लिखता हूँ अभी। तो मैंने इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिख दिया है। इसमें साथ में जो ये खर्चा है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो खर्चे ये और जोड़ देते हैं तो TC आ जाती है, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा 6,30,200। सेल में से इसको घटा देते हैं तो ये आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये आएगा 3,69,800। तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो बजट है कंप्लीट होता है। ये जो खर्चे हैं, जो प्रॉफिट आया है ये खर्चे ऊपर, और ये प्रॉफिट आया है ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड है, ये नहीं, इन तीनों को हमने यहाँ घटाया नहीं है। और यदि इनको और घटा देते हैं तो ये आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड है जो आ जाएगा, प्रॉफिट होगा हमारा जो। तो इस तरीके से ये जो नॉर्मल हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया है। तो इस तरीके से मास्टर बजट हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।